हेलो स्टूडेंट्स दिस इज रानी मैम फ्रॉम यूनिक क्लासेस एंड वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स आज का जो सेशन है दैट इज़ अगेन ऑफ वॉइस वॉइस के काफ़ी डिमांड्स आ रहे थे बच्चों के और इसके प्रायर टू दिस आल्सो वी हैव डन अ लॉट ऑफ सेशंस ऑफ वो कैप सॉरी वॉइस तो आगे हम वो uh, कैप को सॉरी वॉइस को कंटिन्यू करते हैं इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल सेंटेंस ब्यूटिफुल सेंटेंस मतलब आई टोल्ड यू प्रायर टू दिस ऑल्सो कि ईजी वाला नहीं करेंगे कुछ हम कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस करेंगे जहाँ पे रियली really बच्चे कन्फ्यूज होने वाले हैं चलो ये सेंटेंस आप देखो

एक्टिव वॉइस अब हमें इसका क्या बनाना है Passive. पैसिव बनाना और थोड़ा मीनिंग भी देख लो मैंने बोला मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं अभी स्मोक एंड फ्लेम्स एंड गल्फ एंड गल्फ का मतलब सराउंड पूरा घेर लेना स्मोक एंड आग आग और धुएं ने पूरे इस एरिया को घेर लिया एंड मेड रेस्क्यू ऑपरेशन डिफिकल्ट और स्मोक एंड फ्लेम के वजह से किसके वजह से राहत रेस्क्यू ऑपरेशन मतलब राहत कार्य किस किसके वजह से राहत कार्य डिफिकल्ट हो गया स्मोक के वजह से ठीक है चलो अब ये एरिया है ये एरिया है ठीक -E है ए आर ई हाँ, चलो मुझे पहले जब भी थोड़ा सा ट्विस्टेड वाला सेंटेंस आ गया, तो व्हाट यू हैव टू डू ना, गो फॉर एलिमिनेशन एलिमिनेट कर लोगे आपका दो ऑप्शन हट गया आपका काम इजी हो जाएगा सेंटेंस का टेंस क्या जा रहा है सिंपल पास एंड एज यू पीपल नो कि एक्टिव से पैसिव बनाने में सेंटेंस का टेंस नरेशन में बदलता है रिपोर्टेड वर्ब अगर पास में हो तो तो सेंटेंस का टेंस नहीं बदलेगा लेकिन यहां पे देखो कहीं पे सेंटेंस का टेंस बदला है किस में बदला है किसमें सी में ये सिंपल पास में है बट इसने क्या कर दिया पास परफेक्ट कर दिया तो ये तो आपका ऑप्शन से हटा चलो और भी एक आध ऑप्शन हटो आप द एरियाज वॉज अच्छा द एरियाज वॉज वैसे ये एरियाज uh, है ना यहां पे एस नहीं होगा ठीक है एस नहीं है ये गलत है मिसप्रिंट हो गया क्योंकि ऐसा नहीं दिया उन्होंने एरिया यहां भी एक ही एरिया की बात हो रही है ना एक ही एरिया की बात हो रही है तो चलो यहां भी एरिया इसमें एस नहीं है ठीक है बगैर एस का इसको मान के चलो एरिया है चलिए अब बताइए मुझे और भी एक ऑप्शन हटाइए अच्छा ए, एक चीज हाँ द एरिया वॉज इन इन स्मोक एंड एंड मेड रेस्क्यू ऑपरेशन डिफिकल्ट और द एरिया वॉज इन मेकिंग रेस्क्यू ऑपरेशन डिफिकल्ट कौन सा हटेगा कौन सा बी बी uh, कभी कभी मेकिंग भी हो सकता है चलो पहले और भी एक दो ऑप्शन हटाओ द एरिया वॉज एनगल्फ इन स्मोक एंड फ्लेम्स एंड मेड रेस्क्यू ऑपरेशन डिफिकल्ट देखो इसका इन्होंने क्या किया है यहां तो इन्होंने क्या किया है पैसिव पैसिव किया है बट इसको क्या छोड़ दिया द एरिया वॉज इनगल्फ इन स्मोक एंड फ्लेम एंड मेड इसको तो एक्टिव में ही छोड़ दिया तो ये तो ऐसे भी हटा यहाँ पे मैंने एस हटाया हुआ है ठीक है ध्यान रखना एस हटा है चलिए अब बताइए या तो आंसर बी होगा या तो आंसर डी होगा द एरिया वाज एनगल्फड इन स्मोक एंड फ्लेम्स एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस वर मेड डिफिकल्ट हम बहुत सारे बच्चों के दिमाग में जाएगा कि ये ये तो पैसिव हो गया और यहां भी देखो वर के एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस वर मेड डिफिकल्ट ये भी क्या हो गया वैसे हो गया और आप लोग इसी को आंसर टिक करोगे बट ये भी गलत, गलत है क्योंकि मीनिंग अलग निकल जा रहा है ये देखो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या जा रहा है द एरिया वाज एनगल्फड इन स्मोक वो एरिया पूरे स्मोक से भरा हुआ था घिरा हुआ था यहाँ से मीनिंग चेंज हो गया एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस वर मेड डिफिकल्ट इसका मतलब क्या होगा रेस्क्यू ऑपरेशंस वर मेड डिफिकल्ट का मतलब राहत कार्य को डिफिकल्ट किया गया राहत कार्य को डिफिकल्ट किया गया नहीं राहत कार्य खुद बे खुद डिफिकल्ट हो गया किसकी वजह से तो इसका तो मीनिंग ही बदल दिया तो आंसर क्या बी और और आपके दिमाग में आप आप सबसे पहले इसी कभी कभी और पार्टिसिपल लगा के भी हम सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं तो यहाँ पे आपके दिमाग में आएगा हाँ और यहाँ आप बोलोगे कि मैम इसका पैसे हमने क्यों नहीं किया क्योंकि अगर आप जीर और पार्टिसिपल लगा रहे हो तो उसका तो टेन से कोई लेना देना है ही नहीं इसीलिए उसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब में रहते रखते हैं तो यही आंसर है द एरिया वॉज एन फ्लेम्स मेकिंग रेस्क्यू ऑपरेशन डिफिकल्ट आप बोलोगे इसका पैसिव क्यों नहीं किया बिकॉज हमें जरूरत ही नहीं है ठीक है यहां पे मैंने एक नॉन फाइनाइट वर्ब डाल दिया जिससे मीनिंग मेकिंग रेस्क्यू ऑपरेशन डिफिकल्ट का मतलब क्या हुआ राहत कार्य को डिफिकल्ट करते हुए किसने किया बट यहां क्या सेंस जा रहा था कि किसी और ने किया मतलब राहत कार्य को डिफिकल्ट बनाया गया नहीं राहत कार्य तो खुद बेखुद डिफिकल्ट हो गया तो हमें ये राहत कार्य वाला पार्ट को पैसे नहीं ले जाना ठीक है एंड मेड रेस्क्यू और ये वाला भी आपके दिमाग में जाएगा वॉज एंड गल्फ एंड स्मो एंड मेड एंड मेड रेस्क्यू ऑपरेशन डिफिकल्ट आपके दिमाग हाँ ये और भी एरर रॉन्ग uh, कैसे है? देखो द एरिया वॉज एन गल्फ ठीक है ये ये जो was engulfed, किसके लिए लगा है एरिया के लिए और एंड से जुड़ा है तो इस मेड का भी सब्जेक्ट कौन है एरिया ही है ना तो एरिया मेड रेस्क्यू ऑपरेशन डिफिकल्ट नहीं किया एरिया ने नहीं डिफिकल्ट किया डिफिकल्ट किसने किया स्मोक ने किया ये आ रहा है समझ में लेकिन अगर ये क्वेश्चन आता तो सबसे पहले कौन से ऑप्शन हटाते ये वाला हटाते बट आंसर यही है क्योंकि ये कैसा है ये रूल बेस्ड नहीं है ये क्या है मीनिंग बेस्ड का मतलब वंचित करना डिप्राइव के साथ क्या आता है ऑफ ऑफ कौन वाला डबल एफ या सिंगल सिंगल वाई डिड ही डिप्राइव यू ऑफ द मेंबरशिप क्वेश्चन का मतलब क्या है वाई डिड ही ने आपको क्यों वंचित किया मेंबरशिप से तो ही ने किसको वंचित किया यू को वंचित किया ठीक है अब सेंटेंस देखो अब बताओ कौन सा नहीं होगा गो फॉर एलिमिनेशन जो नहीं होगा उसको हटाओ अच्छा पहला होगा पहले मुझे बताओ वाई पहला क्यों नहीं होगा इनवर्जन होना चाहिए दिस इज अ क्वेश्चन मार्क सेंटेंस और क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले तो ये तो हमारा हट गया थर्ड देखो वाई वॉज ही डिप्राइव्ड मीनिंग बदल दिया ना ही को वंचित नहीं किया ही ने यू को किया तो ये भी नहीं होगा देन यू आर लेफ्ट विथ टू ऑप्शन बी और सी चलो वाई वर यू डिप्राइव्ड ऑफ हिज अब डिफरेंस क्या है बरशिप और तो यू को किसके मेंबरशिप से डिप्राइव किया गया खुद के मेंबरशिप से तो यू को मंथ आर यू पेड फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी दिस सेंटेंस गोज इन एक्टिव और पैसिव एक्टिव है कि पैसिव है अच्छे से देखो is mr के साथ अगर ing आ गया तो और is mr के साथ अगर थर्ड फॉर्म आ गया ये क्या है हमारा पैसे है अब इसका क्या बनाना है आपको एक्टिव बनाना है हम हाउ मच अ हाउ मच अ मंथ आर यू पेड मीनिंग देखो हाउ मच अ मंथ आर यू पेड मतलब आपको कितना पे किया जाता है आप किसी को पे नहीं कर रहे है. आपको कितना पे किया जाता है किसी और के द्वारा चलो बताओ हाउ किसी को नहीं कर रहे हो आपको किया जा रहा है चलो again, how in a month? और जब भी सेंटेंस हाउ से शुरू हो ना तो आपको भी हाउ से ही करना है ये भी हटा हाउ मच अंथ डू दे पे यू और हाउ यहां भी अगेन आप कितना पे कर रहे हो ठीक है अच्छा यहाँ पे जो दे है इसको इसमें क्यों नहीं यूज किया है ऐसा होना चाहिए ना हाउ मच अ मंथ आर यू पेड बाय देम क्यों नहीं यूज किया है वेग है आपने पढ़ा है वेग नाउन और प्रोनाउन को हम पैसिव में यूज अंडरस्टूड है कि किसी के द्वारा ही किया हो वी मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डर्स ये क्या है एक्टिव है कि पैसिव है एक्टिव है कहीं भी थर्ड फॉर्म नहीं आए एक्टिव है और एक्टिव है तो क्या बनाना है पैसिव बनाना बट ये वाला देखो ये तो कुछ अजीब सा है क्या है ये भी हटा आना चाहिए ना रिस्पेक्ट का थर्ड फॉर्म आना चाहिए बट यहाँ भी रिस्पेक्ट का थर्ड फॉर्म नहीं है और यहाँ भी नहीं ठीक है अब आपके पास दो ऑप्शन बचा द एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड और द एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड बाय अस कौन सा होगा बी आपने अस को क्यों हटाया को वेग मान अगर अगर ये option नहीं होता ना, तो अल्टीमेटली आप किसको मानते इसको मानते। द तो आपको मानना किसको है? Second. Second. Okay, understood है कि elders को रिस्पेक्टेड हमारे द्वारा ही की जाए इसको क्या मान लिया इन्होंने वेग. वेग मान लिया अनक्लियर नाउन या प्रोनाउन हो तो उसके साथ हम यूज नहीं करते बाय का यूज नहीं प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द वर्स्ट अपने आप को प्रिपेयर करो वर्स से वर्स सिचुएशन के लिए हम यू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट द वर्स्ट इज द वर्स्ट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय योरसेल्फ ये तो हटा ये हटा ये एक्टिव है ना पैसिव बनाना और, और देखो पार्ट ऑफ स्पीच बदल दिया है ना प्रिपेयर क्या है प्रिपेयर वर्ब है और यहाँ क्या किया है पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बदला दो ऑप्शन तो हमारा हट गया इधर गो फॉर ए और सी uh, चलो बताओ यू बी प्रिपेड नहीं होगा बी आंसर सी। अच्छा क्यों नहीं होगा ये यू बी प्रिपेड फॉर द वर्स्ट। देखो ये हम जो बी वर्ब है ना बी वर्ब को कभी भी अकेला यूज नहीं।, नहीं करेंगे बी वर्ब के पहले कोई ना कोई क्या चाहिए एक वर्ब का सपोर्ट चाहिए ठीक है बी वर्ब एक बार मैं वीडियोस में सारे टू बी वर्ब्स को क्लियरली समझाऊंगी बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट uh, करते हैं कि मैम एक बार टू बी वर्ब समझा दीजिए ओके okay, इसको हम डिटेल में समझेंगे तो बी वर्ड तभी होगा ना जब उसके पहले आएगा जैसे विल बी शुड बी कोई ना कोई एक वर्ब चाहिए ये इंडिपेंडेंटली यूज नहीं होगा आंसर कौन सा है सी फॉर अ लॉन्ग टाइम पीपल बिलीव द अर्थ टू बी फ्लैट फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब लंबे समय तक लोगों लोग ये बिलीव करते थे कि अर्थ फ्लैट है चलो बताओ ये कौन सा है एक्टिव है ना चलो पैसिव बनाओ अच्छा कौन सा हटेगा हम कब कब लगाते लगाते हैं तो continuous है ना हैं जब हमारे ऑप्शन में भी कोई कंटिन्यूस होता है कुछ आईएनजी आता है ना पीपल आर बिलीविंग ऐसा रहता तो यहाँ तो आईएनजी नहीं है ये तो हटा चलिए और ये भी हटा टेंस बदल दिया ये तो सिंपल पास्ट है और आप इसको लेके पास्ट कंटिन्यूस में चले गए इसको भी पास्ट past... कौन सा डीबी हट जाएगा क्यों प्रेजेंट है तो आंसर क्या पूछा तो अच्छा है आ, चलो बताओ ना ये भी बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन नन लाइक सेम ही ही इज लाइक्ड बाय नन ही वाज नॉट अच्छा कौन सा हटेगा टेंस के बेसिस पे कुछ को हटाओ प्रेजेंट में जा रहा है ना प्रेजेंट में जा रहा है और ये क्या है पास्ट और ये तो प्रेजेंट परफेक्ट ठीक है चलो अब बताओ ही इज लाइक्ड बाय नन और ही इज नॉट लाइक्ड बाय एनी दिमाग में आएगा कि वहां भी नन है तो हम्म लेकिन ऐसा क्यों होगा लास्ट वाला हम्म बता हाँ <laughs> he is, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा ना ही इज लाइक उसको लाइक like किया जाता है किसी के द्वारा नहीं ऐसा सेंटेंस फ्रेम होता है पहले तो आपने पॉजिटिव बोल दिया लास्ट में जाके negative. नहीं उसको लाइक like किया जाता है किसी और के उसको जब भी नेगेटिव आ गया ना नेगेटिव बोला तो हम पहले उसको किसी के द्वारा लाइक नहीं किया जाता और नेगेटिव सेंटेंस में हम किसका यूज करते हैं एनी का यूज करते सो दिस इज द करेक्ट आंसर नहीं होगा ठीक है ही इज़ नॉट लाइक्ड बाय एनीवन हम पीपल से दैट ही इज अ पीपल कहते हैं कि वो एक क्या है जासूस है चलो इसको साइड कर दिया पीपल से दैट ही इज अ पीपल कहते हैं कि वो एक जासूस है इट इज सेट दैट इज इट हैज बिन सेड नहीं इट हैज बिन मतलब ऐसा कहा जा चुका है मतलब अब नहीं बोलते लेकिन यहाँ पे क्या है अभी भी लोग बोल रहे कह रहे इट इज इज सेड बाय पीपल दैट ही अ स्पाई और इट और ये तो नहीं होगा ना है अब अब या तो बी होगा या तो डी होगा चलो बताओ इट इज सेड बाय पीपल दैट इज अ स्पाई इट इज सेड दैट ही इज अ स्पाई मैंने आपको बताया भी है कि जब भी बाय पीपल आ गया बाय पीपल को हम क्या मानते हैं वेग मानते हैं और वेग का यूज इट इज कि वो एक जासूस है अंडरस्टूड है कि वो किसके द्वारा कहा okay, तो हमने काफी सारे सेंटेंसेस वॉइस का कवर किया है ठीक है और बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आ रहा था बच्चे हमारे क्वेश्चंस कर रहे थे बैच को लेकर ऑनलाइन बैच ऑनलाइन बैच आन अकेडमी पे चल रहा है अन अकेडमी का नाम तो सुना ही होगा सबने अगर आन अकेडमी का ऐप नहीं है तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो काफी सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि मैम ऑनलाइन बैच आपका कब शुरू हुआ कब शुरू होने वाला है ऑलरेडी शुरू हो चुका है एक तो अभी नया बैच फिफ्टीन जनवरी से शुरू हुआ है ठीक है फिफ्टीन जनवरी से शुरू हुआ है फोर टू सिक्स का शाम का टाइमिंग है दिस इज अ वेरी कॉम्प्रीहेंसिव बैच स्टार्टिंग फ्रॉम प्री लेवल बहुत बेसिक से जा रही है ठीक है एडवांस लेवल तक जाएगा और प्लस जो बच्चे इस बार सीजीएल टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी एक बैच है दैट इज प्रैक्टिस बैच इसमें पढ़ने का काम नहीं हो रहा इसमें सिर्फ प्रैक्टिस हो रही है ये चलेगा ट्वेंटी नाइन्थ तक ठीक है ये सीजीएल टारगेटेड है जो जब जो हमारे बच्चे इस बार सी दे रहे हैं इसकी टाइम है शाम का एट पी ओके तो ये आपको ये आपका मार्क्स एनहांसर वाला बैच इसमें बस प्रैक्टिस करना है ये उन लोगों के लिए जो पढ़ लिए हैं बट उनका मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं बन रहा है और ऑफलाइन बैचेस तो चल ही रहे हैं अभी ऑफलाइन का भी यूनिक क्लासेस का न्यू बैच शुरू हुआ है दैट इज़ फ्रॉम नाइन थर्टी नाइन थर्टी का बैच है तो जो बच्चे ऑफलाइन करना चाहते हैं वो नाइन थर्टी आके डेमो ले सकते हैं और हमारे यूट्यूब वाले व्यवर्स तो है ही चलो अब हम मिलते हैं थैंक यू एवरी वन मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में थैंक यू